नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में RBSE 2016 क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण 250 डिग्री दे रखा है। लघु त्रिज्याखंड का कोण आपसे पूछा गया है, तो इसको कैसे डील करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ होनी चाहिए कि दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बना रहा हूँ। ये कौन से चैप्टर में से आया आपका? यहाँ से आया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में से। ओके, जैसे ये आपका एंगल होता है, यहाँ पे थीटा एंगल जो बनता है वो आपका किसके लिए बनता है? लघु के लिए बनता है। तो यहाँ पे देखो, आपका हमने मान लिया ये आपका क्या है, लघु त्रिज्याखंड है। इसका एंगल कितना है? थीटा है। इसका हमें यहाँ पर मान पूछा है, ठीक है। ये लघु त्रिज्याखंड होता है, यानी जिसका कोण कम होता है वो लघु, और जिसका ये एंगल बड़ा होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों? दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। चूंकि वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग बराबर कितना होगा दोस्तों? आपका 360 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो, यहाँ पे लघु त्रिज्या खंड का कोण प्लस दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण बराबर कितना होगा दोस्तों? आपका 360 डिग्री। इसको आपने कितना माना है? थीटा माना है। ये कितना दे रखा आपको? 250 डिग्री दे रखा है। बराबर कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। तो यहाँ से थीटा बराबर, देखिए, इसको जब इस साइड भेजेंगे, ये प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ भी कितना आ गया? 1, यानी 110 डिग्री आपका इसका लघु त्रिज्याखंड का कोण आ गया। बस एक नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपके यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हंसी मजाक वाले क्वेश्चन मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।